जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए फिर से एक स्पेशल टेस्ट पेपर लेकर आए हैं और इस टेस्ट पेपर में आप सभी को टारगेट दिया जाता है 25 प्रश्न सही करने का। तो आप सभी ध्यानपूर्वक पूरा सेशन को देखें। तो चलिए देखते हैं कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस टारगेट को पार करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिपथ सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल एक नंबर का प्रश्न है, सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ही बच्चे ए ऑप्शन बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, फ्यूज का उपयोग किया जाता है। अब प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है, ये जो फ्यूज है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है। फ्यूज किसका मिश्रण होता है, तो सीसा प्लस टीन। जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं ध्यानपूर्वक सुनना है। फ्यूज जो है सीसा और टीन के मिश्रण से बनता है। तो यहाँ पर सही जवाब है फ्यूज। दूसरा प्रश्न है, विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। आप सभी को सोच समझकर आंसर बताना है क्योंकि आप लोगों के पास टारगेट है 25 प्रश्न सही करने का। तो विडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है, टाइफाइड। यहाँ पे बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। एड्स पूछा जाता है किसके कारण होता है, तो एड्स HIV वायरस यानी कि वायरस से होता है एड्स। और मलेरिया किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण। कौन सा प्रोटोजोआ है, तो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ है जिसके कारण मलेरिया होता है। आगे देखिए, अग्रपुंज पाए जाते हैं शुक्राणु में, अंडाणु में, अंडाशय में या युग्मनज में। तो दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा शुक्राणु में अग्रपुंज पाए जाते हैं। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाइए। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत कौन नहीं है, सही आंसर है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं, बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों, आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं बिल्कुल आपको ईमानदारी पूर्वक कॉपी में लिखते जाना है, फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। इस प्रश्न से संबंधित आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को बताते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए और उसको याद कर लीजिए। देखिए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के काल में हुआ था, तो चतुर्थ। और इसकी अवधि क्या है, तो 1969 से 74। पोर्ट ब्लेयर स्थित है, बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है। अच्छा, ये पोर्ट ब्लेयर क्या है, तो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में, जबकि लक्षद्वीप पूछे तो अरब सागर। तो आंसर क्या हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर साउथ अंडमान में स्थित है यानी कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। बाण सागर परियोजना स्थित है, चलिए फटाफट से आंसर कीजिए बाण सागर परियोजना। और ये प्रश्न बिहार पुलिस में एक बार पूछा जा चुका है, बाण सागर परियोजना। तो दोस्तों, बाण सागर परियोजना ये स्थित है सोन नदी पर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। काफ़ी बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं, सरदार सरोवर बांध पूछा जाता है किस नदी पर है, तो गुजरात में है नर्मदा नदी पर। और इसी नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था,
तो दोस्तों भारत में अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था किस युग में? यहाँ पे सही जवाब क्या होगा फटाफट से बताइए, तो ये हुआ था कैलेडोनियन युग में। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। विश्व में चावल का प्रथम निर्यातक है, चलिए आंसर कीजिए, विश्व में चावल का प्रथम निर्यातक देश कौन सा है? तो ये है थाईलैंड, याद रखेंगे। और उत्पादक में पूछे तो चीन, और भारत जो है दूसरे स्थान पर आता है उत्पादन में, चावल के उत्पादन में, जबकि निर्यातक में पूछे तो है प्रथम में थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है आप लोग कमेंट कीजिए। तो भारत में वित्तीय आपात की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्न और बताते हैं, सभी को ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात है, 352 में है राष्ट्रीय आपात, 356 में है राष्ट्रपति शासन, और 360 में है वित्तीय आपात, जिसके बारे में पूछा जा रहा है। और हमारे भारत देश में वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं हुआ है, तो सही जवाब है कभी नहीं। नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? चलिए आंसर बताइए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसमें पृथककरण कब हुआ था, विभाजन कब हुआ था, तो 1907 का आपको याद होगा सूरत अधिवेशन, इसी में कांग्रेस जो है नरम दल एवं गरम दल दो गुटों में विभाजित हुआ था। यहाँ पे पूछा जा रहा है किस अधिवेशन में एकीकरण हुआ था, तो लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और दोस्तों आप सभी डेली क्लास को अटेंड कीजिए, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा फटाफट से बताइए। तो देखिए लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा सी ऑप्शन, दोनों भाग लेते हैं। तृतीय दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। तो इस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन सा ताप व विद्युत का सुचालक नहीं है, यानी कि कुचालक है? तो दोस्तों ये है सीसा, याद रखेंगे। तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है? फटाफट से आंसर बताइए, और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो तिलैया परियोजना किस नदी पर स्थित है, याद रखेंगे बराकर नदी पर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, जबकि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में द्वैत शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई थी? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। तो बिहार में द्वैत शासन की शुरुआत जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। भारतीय मौसम वैधशाला का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है पुणे में, कहाँ पर है? पुणे में। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? चलिए फटाफट से आंसर बताइए, बैक्टीरिया की खोज यानी जीवाणु की खोज किसने किया था? तो ल्यूवेन हॉक ने। अगर पूछे वायरस की खोज यानी विषाणु, तो इवानोवास की, दोनों याद रखना है, इन्होंने वायरस का पता लगाया था और ल्यूवेन हॉक ने बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का अंग नहीं है?
तो देखिए दोस्तों, भारत की संसद का अंग कौन नहीं है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, लोकसभा अध्यक्ष। जबकि राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा से मिलकर संसद का निर्माण होता है। ई अमृत पोर्टल किससे संबंधित है? पहले भी हमने आपको इस प्रश्न को बताया था दृष्टि आईएएस मॉडल पेपर में, तो देखते कितने बच्चों को याद है ई अमृत पोर्टल किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है ई वाहन जागरूकता से। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें प्राथमिक चट्टानें कहलाती है? तो कौन सी चट्टानें हैं जो प्राथमिक चट्टानें कहलाती है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा आग्नेय चट्टान। याद रखेंगे कौन सा चट्टान है, आग्नेय चट्टान, और इसका निर्माण होता है मैग्मा या लावा के जमने से। याद रखेंगे आग्नेय चट्टान में आ गया ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये सभी क्या है, आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। सिंधु घाटी की सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों ये मिले हैं कालीबंगा से। सी ऑप्शन सही जवाब है, कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। याद रखेंगे लेबनान की राजधानी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लेबनान की राजधानी है बेरूत। बी ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। याद रखेंगे कौन होता है, प्रधानमंत्री। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन पूछा जाता है 1952 में हुआ था। संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, मसौदा समिति जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है यहाँ पे, लेकिन आपको बताना है प्रांतीय समिति। तो आंसर क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखेंगे विश्व शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और दोस्तों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो ही लाइक करना है, वरना आप लोग डिसलाइक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, विश्व शरणार्थी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 20 जून को। मुद्रा के अवमूल्यन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखिए। मुद्रा के अवमूल्यन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, निर्यात को प्रोत्साहित करना, ये मुद्रा के अवमूल्यन का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दिए हैं, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा चिदंबरम पिल्लई द्वारा। याद रखेंगे किसके द्वारा, चिदंबरम पिल्लई द्वारा मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। याद रखेंगे। आगे देखिए, सिजदा एवं पैवोश प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो इस प्रथा की शुरुआत किसने किया था, यहाँ पे सही जवाब होगा बलबन ने। किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है, यानी कि वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम किसका होता है, किस प्रकाश का? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ये लाल का होता है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो दोस्तों कोटोपैक्सी ज्वालामुखी ये स्थित है इक्वाडोर में। याद रखेंगे सही जवाब है डी ऑप्शन, और कोटोपैक्सी ज्वालामुखी
विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पर्वत है जो कि इक्वाडोर में स्थित है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए और कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। सही जवाब है आंध्र प्रदेश। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी मार्क करके रखिए। यह प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया था महात्मा गांधी ने, पहला प्रश्न ये बना। दूसरा प्रश्न कब किया? तो सही जवाब है 1904 में। कब? 1904 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।